खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां फैमिली कोर्ट्स सियालकोट से हसूल इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने वाली तैबा ने बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ फराम करने की अपील कर दी। खातून का कहना है कि वो अरसा 4 साल से अपनी फैमिली केस की पैरवी के लिए कानून की मुकम्मल पासदारी करते हुए इस्लामाबाद से सियालकोट के मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगा रही है, लेकिन इसे हर बार सिवाय तारीख पे तारीख के और कुछ हासिल नहीं हो रहा। हालांकि अदालती डिग्री भी इसके हक में हुई है। यहाँ पे सिर्फ अदालतों में डेटे मिलती हैं और कुछ भी इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि प्लीज़ ये जो फैमिली केस है इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा जेरे गौर करें। मेरा ये देखिए, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं सारे प्रूफ पेश कर चुकी हुई हूँ, डिग्री हो गया हुआ है मेरा केस, फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ पे आती हूँ, डेट मिल जाती है, इस्लामाबाद से आती हूँ, जलील होकर चली जाती हूँ। ये हमारी सियालकोट की अदालत है, यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं है। मेरा सफदर साहब जो जज है उनके पास मेरा केस चल रहा है, लेकिन वो कभी कहते हैं चार डेट जो है वो संडे को आ जाती है, कभी 20 को आए तो कहते हैं कि 22 डेट है। तो यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ड्रामेबाज है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, यहाँ पर सिर्फ ड्रामे हैं। ठीक है, जजों को सैलरियाँ मिलती हैं, लेते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। औरतों के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं कि ये फैमिली केस है, देखें इनका कोई हल करें। सारे प्रूफ दे के भी यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होता। ये देखिए, जिनके साथ मेरा केस चल रहा है उन्होंने माना हुआ है कि हम जो है वो खर्चा नहीं देते रहे, फिर भी वो अपील करते हैं, जज साहब लटका देते हैं। मैं हर बार आती हूँ, जलील होकर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी चीफ जस्टिस साहब से अपील है, ठीक है, कि औरतें बेचारी इतनी जलील हो गई, प्लीज उनके बारे में भी कुछ सोचें, उनका भी तो कुछ करें, उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि ये पाकिस्तान की बेटियों के बारे में कुछ सोचें।